आज हम मलाईदार पान कुल्फी बनाने जा रहे हैं। बहुत इजी स्टेप्स है, बहुत इजीली बन जाएगी, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। देखिए इसमें हमने ना कंडेंस मिल्क डाला है, ना सिर्फ दूध से हमने आधा लीटर दूध से हमने बनाई है। तो आइए झटपट से सीखते हैं। मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, अगर आप चाहें तो टोन दूध भी ले सकते हैं। अभी ठंडा है दूध, उसको मैं थोड़ा सा एक बाउल में निकाल रही हूँ। ठंडे दूध में 1 टीस्पून अरारोट डाल रही हूँ, अरारोट इससे डाल रही हूँ ताकि हम लोग व्रतों में भी खा सकते हैं कुल्फी को, और अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमेशा अरारोट किसी चीज़ में डालते हैं तो ठंडे में डालेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल लम्स नहीं पड़ेंगे। ये मिक्स करने के बाद जो वाला दूध था हमारा, इसको मैं गैस पे उबालने के लिए रखती हूँ। मैंने दूध को गैस पे उबालने के लिए रख दिया है। देखिए फ्रेंड्स, दूध उबल गया है, अब मैं गैस को धीमे कर रही हूँ। बिल्कुल जो हमने ठंडे दूध में अरारोट को उबलाया था, मिक्स किया था, वो इसमें मिक्स कर रही हूँ। एक बार का ध्यान रखिए, इसको अच्छी तरह से नीचे से ऐसे हिलाते हुए डालिए, क्योंकि थोड़ी देर रखा ना नीचे सेटल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे हिलाकर इसमें डाल रहे हैं। सारा मैंने अरारोट का दूध डाल दिया। इस स्टेज पर इस तरह से हिलाते हुए पकाना है, नहीं तो क्या होता है कि दूध हमारे नीचे से लग जाता है। अरारोट वाला दूध डालने के बाद हमने एक दो उबाल जरूर से लेना है, क्योंकि हमने अरारोट को पूरा पकाना है। अब देखिए हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, बस अब हमने दूध को इतना ही पकाना है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। गैस से उतारने के बाद इस गर्म गर्म दूध में ही हमने कुल्फी को मलाईदार बनाने के लिए मैं 100 ग्राम के तकरीबन खोया डाल रही हूँ। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। पर खोए से क्या होता है, दानेदार लगती है, अच्छी लगती है टेस्ट में भी। और घर के खोए की रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे है, आप एवरग्रीन रसोई पर जाकर होममेड खोए की रेसिपी आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान सी और इंस्टेंट खोआ बनाने की विधि मैंने बताई है उसमें। अच्छे से खोया मिक्स हो गया है, मैं इसे थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। अब कुल्फी मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया है, इस स्टेज पर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून गुलकन। इस तरह से गुलकन के थ्रेड्स इसे आएंगे मुँह में तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल 1 ड्रॉप में ग्रीन कलर डाल रही हूँ। थोड़ा कलर कम लग रहा है तो मैं 2 ड्रॉप और डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं, देखिए अच्छा सा कलर आ गया है। साथ ही 3 से 4 ड्रॉप में डाल रही हूँ पान एसेंस, इसको मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास ग्रीन कलर और पान एसेंस नहीं है तो आप मार्केट से जो मीठा पत्ता आता है ना, पान का बना हुआ, पान बना हुआ आता है जिसमें सुपारी, सौंफ, गुलकंद और भी सब्जी होती है, तो आप उसमें सुपारी मत डलवाइए, बाकी सारे मसाले डलवा लीजिए। उस पान को थोड़ा सा आप हल्का सा पीस के कुल्फी में डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आपको फिर ग्रीन कलर, गुलकंद और एसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अभी हल्का हल्का गर्म है हमारा मिश्रण, मैं इसको बिल्कुल ठंडा करके फिर आगे बताती हूँ। बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। इस बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, उसके बाद ही आप डालिए चीनी। ठंडा नहीं होगा, गर्म में आप डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगी और हमारी कुल्फी में थोड़े आइस आइस आने लग जाएगी, तो इतना ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा परफेक्ट कुल्फी बनाने के लिए। अब मैं इसको कुल्फी मड में भर देती हूँ। मोल्ड प्लास्टिक के लीजिए या एल्यूमिनियम के लीजिए, सभी अच्छे होते हैं। थोड़ा खाली रखिए। देखिए इस तरह से मैंने भर दिया है, अब इसका ढक्कन है लगा देती हूँ। इसके अंदर स्टिक है तो इसमें लग जाएगा आराम से। इसको फ्रीजर में डाल देती हूँ मैं और जमने के बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, पान कुल्फी रेडी हो गई है। इसको सेट होने में 5 से 6 घंटे लगे हैं, और आपको मैं बता भी देती हूँ कि 11 से 12 इस साइज की कुल्फी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको डीमोल्ड करती हूँ। डीमोल्ड करने के लिए मैंने 1 गिलास में पानी रखा है यहाँ पे, और मैं इसको कुल्फी को निकाल कर पानी में अच्छी तरह से इसे डिप करनी है। डिप करने के बाद इसको निकालते हैं, हल्का धीरे से निकालिए। ये देखिए, ये हमारी कुल्फी कितनी अच्छी मलाई वाली, बिल्कुल आइस नहीं है इसमें, और बिल्कुल मलाई वाली कुल्फी रेडी हुई है। मैं इसको प्लेट में रखती हूँ और सारी कुल्फी निकाल लेती हूँ इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, मलाईदार कुल्फी रेडी है। कितनी इजी स्टेप थी और कितनी अच्छी बनी हुई है, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो देखा ना आपने, कितनी झटपट से हमने रेडी कर लिया है और बहुत टेस्टी भी है, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।